नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमानी। उत्तराखंड सरकार महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। उत्तराखंड परिवहन ने रक्षाबंधन के त्योहार पर महिलाओं को निःशुल्क सफर का तोहफा दिया है। रक्षाबंधन के दिन पूरे प्रदेश में रोडवेज की बसों से सफर कर रही महिलाएं बिना किराए के सफर कर सकेंगी। मुख्यमंत्री की ओर से ये खुशखबरी आई है कि आने वाली 30 तारीख को रक्षाबंधन के दिन जो महिलाएं राखी बांधने रोडवेज की बसों से जाएंगी, उन्हें बस का कोई शुल्क नहीं देना होगा, वो बिना शुल्क के सफर कर सकेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश की महिलाओं को प्रदेश के अंदर उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के किराए में छूट दी जाएगी। इस संबंध में सचिव परिवहन अरविंद सिंह हाकी ने प्रबंध निदेशक उत्तराखंड परिवहन निगम को इसके लिए सभी निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि बीते साल भी उत्तराखंड ने रक्षाबंधन के दिन प्रदेश में सफर कर रही महिलाओं के लिए बस का शुल्क माफ कर दिया था, जिससे रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को सफर करने में सहूलियत हो। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।